इसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर शफीक यासिन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएगा कि मैंने अभी पूरी डिटेल बताई है कि आखिर क्या वजह है कि सब कुछ अब इतना है कि क्लिक पे है, उसके बावजूद साइकेट्रिस्ट के पास जाने से लोग कतराते हैं। शायद हम डराने लगते हैं लोगों को। डराने लगते हैं? नहीं, वो बस प्रेफर करते हैं जी बाबा हो, कोई दाढ़ी शाड़ी हो, हाथ में कुछ रखा हो तो वो फूक फाँक के इलाज करें, तो उनके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, लोगों को आई थिंक ये समझ नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए पहले डॉक्टर बनना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है, सर्जरी, मेडिसिन, अदर स्पेशलिटीज़ आप करते हैं, फिर साइकियाट्री कर बाद में आती है। पहले तो MBBS करके आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद एक साल इंटर्नशिप करके फिर मज़ीद 5 से 7 साल एटलीस्ट पढ़ते हैं, तब साइकियाट्री की डिग्री मिलती है। तो साइकियाट्री करना और एक लंबा प्रोसेस है। बाई द टाइम यू बिकम अ गुड साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, यू आर 32 to 35, आप 35 साल के हो चुके होते हैं। सही। तो वो ऐसी डिग्री है कि वो ऐसे आपने आराम से नहीं लेनी, उसके लिए आप प्रोसेस से गुजरते हैं पढ़ाई के। बिल्कुल। आप रजिस्टर्ड होते हैं PMDC से या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपको अकाउंटेबल होते हैं आपके, भाई मैंने कोई गलत फैसला किया तो आपकी पूछगछ होगी। सही। ठीक है ना। तो लोग ऐसी जगह जाने के बजाय ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, गैर मियारी दवाइयाँ जो कि पाउडर की फॉर्म पे वो लोग दे रहे होते हैं, जो कि कहते हैं आप हम दम कर रहे हैं, ये पाउडर खा लें, ये थोड़ा चख लें तो आपको सुकून मिलेगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मुझे 5 गोलियाँ दिखाते हैं ऐसी पैड टैबलेट्स की, जो 4 से 5 रुपए की हैं, जो कि जहाँ बाबा के पास गए थे उन्होंने 5,000 रुपये दम करके उन्होंने दम किया था, सिर्फ दम किया था और सुकून मिल जाता है उन टैबलेट से। वही दवाई मैं भी दूंगा तो सुकून जरूर मिल जाएगा। वो एंजाइटी खत्म करने की मेडिसिंस होंगी, वो उनको किसी ने बाबा जी को बता दी होंगी, वो कूट कूट के लोगों को दम करके वो महंगे दामों दे रहे होंगे और लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, तो उस